यार मेरा प्लेटर रेडी हो चुका है। पहले मैं बाहर बैठता था, 3-4 दिन से। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing well. तो आज हम मैं इस वक्त अपने दोस्त के साथ हूँ। Assalamualaikum मुशारिफ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, आई एम वर्किंग एज एन अटर्नी इन द दुनिया न्यूज़ इलेक्शन सेल। तो आज हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, पर इलेक्शंस का रिजल्ट अभी तक अनाउंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज हमारा काम ज़रा कम था और अभी तक सर भी नहीं आया था, तो हमने सोचा हम ज़रा बाहर चले, कुछ बाहर चले, कुछ लंच के लिए घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे इलाका चेक करें किस तरह का इस इलाके को हम कर रहे हैं एक्सप्लोर। तो अब फिरते फिरते मैंने सोचा कि ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कमाल का, कमाल का। यहाँ पे जिन लोगों को हमने आज तक टीवी पे देखा से लाइव मुलाकात हुई। हाँ, मैं पिक्चर सभी दिखाता हूँ, आप लोग ये पिक्चर्स देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीछे अच्छे लगे होंगे। उम्मीद है कि सुहेल अहमद साहब भी मिल जाएंगे, तो उनके साथ भी हम तस्वीर लेंगे। अगर ये ब्लॉग अपलोड करते हैं तो वो मुझे मिल गए, मैं वो भी डालूंगा। Okay. तो अच्छा यार, मेरा दिल कर रहा आइसक्रीम खाने का, ये कह रहा है मैंने नहीं खानी है, मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मिल गई तो अच्छा है। मैंने इसे बोला तुम खाओ यार, मेरा मूड नहीं है। चलो आई एम फाइंडिंग, अगर मिल गई तो खाते हैं आइसक्रीम, तो मिलता है आपको आइसक्रीम। आइसक्रीम ढूंढते ढूंढते मेरा जो प्लान बना है कि हम सेवर फूड चलते हैं, वहाँ की आइसक्रीम खाते हैं, पर ये भाई अभी भी नहीं मान रहे कि इसने नहीं खानी। तो हम पैदल थे इस वक्त, तो कहता चलो क्यों ना हम और इतना स्टेशन पे चलते हैं। अभी मुझे ऊपर ले आया, कहता एक चक्कर लगा नीचे आ जाएंगे, और अब हम जा रहे हैं नीचे। यार तुम पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार आए हो? नहीं नहीं, काफ़ी दफ़ा। अच्छा, मैं भी वैसे काफ़ी बार आ चुका हूँ। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा। तो सेवर की भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर सेवर वालों ने एक बात बड़ी बुरी की है, ज़रा बताए भाई। वो मुझे नहीं बुरी लगी, तुझे नहीं लगी, मुझे लगी है। GST डाल दी यार उन्होंने हर चीज़ पर, ये बात अच्छी नहीं है। हर रेस्टोरेंट में GST देना। यहाँ इन्होंने एक नया काउंटर बना दिया हुआ है, जो मतलब है हनी मंच के नाम से, जिसमें सारे डिजर्ट्स वगैरह हैं। मैं सेवर फूड्स में आ चुका हूँ और मैंने अपना फ्लेवर ले लिया, जो मुझे चॉकलेट पसंद है, पर ये यहाँ न्यू आया आई थी चॉकलेट ब्राउनी, सो आई विल टेस्ट इट। और मुशारिब कौन सा फ्लेवर है? वनीला था आई थिंक, मुशारिब वनीला खा रहा है। ठीक है यार, खा के फिर चलते हैं वहाँ अपने क्या नाम है ऑफिस, देन देखते हैं सर आए हैं कि नहीं। सो यार मैं खा चुका हूँ एंड लिटरली बहुत टेस्टी। हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, तो ये रास्ते में मुझे एक मिला दिखा है सिनेमा गुलिस्तान। ये सिनेमा बहुत पुराना है, मतलब जब न्यू सिनेमा स्टार्ट हुए थे पाकिस्तान में, तब क्या है इवन किसी की हिस्ट्री ये है, ये एक बार जल भी चुका है 1 से 2 बार, और इसको अगेन रेनोवेट करवाया गया था। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर फिल्म स्टार्स की फिल्म लगती रही हैं, जस्ट लाइक मैडम नूरजहाँ की, शबनम मैडम, सर नदीम की, वही बुरा साहब की है। मेट्रोपोल, मेट्रोपोल एक थिएटर आ चुका है, लेकिन अब आप इसकी हालत देख चुके हैं, बेचारा खस्ता हालत में मौजूद है। एंड आई थिंक अब यहाँ कोई एज सच काम भी नहीं हो रहा, या कोई एक्टिविटी भी नहीं होती। तो गाइस ये है कौन सा ऑफिस, DIG? हाँ। सो गाइस ये है DIG ऑफिस, जिसमें ये काम कर चुका है एज अ इंटर्नी। तू भी? हाँ, इसने यहाँ इंटर्नी एक महीना काम की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, जहाँ इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड इसने मुझे अपनी वीडियो भी दिखाई थी। अब आता है प्रिंस सिनेमा, ये रहा प्रिंस सिनेमा, जिसके साथ शबिस्तान सिनेमा है। तो ये एक सिनेमा के अंदर दो हैं, जो कि मतलब आई थिंक पहले शबिस्तान बना था, फिर इसके एक मूवी काफ़ी साल यहाँ लगी, उसके पैसों से दूसरा बनाया गया, और वो मेरे ख्याल से प्रिंस सिनेमा था, और जिसमें अभी मोला जट अभी भी लगी। समय आते साथ मिल चुका है काम, और क्या मिला है? हमने पंजाब के जो हल्के हमें मिल रहे हैं 30, और हमने उनको रिजल्ट वगैरह टैली करने, उनके नाम वगैरह टैली करने हैं। अच्छा, क्या होता है करने, इतना काम है? खैर हो जाएंगे, आई थिंक 1.5-2 घंटे में हो जाएंगे, और घंटे में भी हो सकता है अगर हम फुल स्पीड से चलें। तो अब हम आपको मिलते हैं काम करके। तो बस इस वक्त हम बैठे हुए हैं फ्री, क्योंकि हमारी जो ECP की वेबसाइट है वो वर्क ही नहीं कर रही, अब पता नहीं शायद लोड की वजह से या फिर वो कोई वर्किंग कर रहे हैं पीछे से। और ये भाई पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, भाई क्या क्या कर रहे हो यार? वेट ट्राई कर रहा हूँ कि निकले तो काम करें। वो भी यही ट्राई करो, मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ। कोई नहीं, अब जब चलेगी तब हम काम करेंगे, होप सो जल्द चल जाए ताकि हम अपना काम करके फ्री हो। ये कौन है यार? इमरान अशरफ बनाते हैं, बना बना। मैं आज बना रहा हूँ इमरान अशरफ। हेलो, हम मिले हैं किससे? इमरान अशरफ से। वाओ, अच्छा वेबसाइट को जब हमने अंदर जाके देखा है तो पंजाब के नहीं सिर्फ चल रहे,
नेशनल मतलब कौमी असम्बली के चाह रहे हैं, अब हमने बुलाया आई टी वाले को, वो उसको आगे ठीक करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हम हो चुके हैं फ्री अपना जो हमें टास्क मिला था करके। हाँ जी कुशारी साहब, कैसा रहा आपका टास्क? अच्छा भाई, कमाल है। हाँ हो गया कंप्लीट आखिरकार। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड और मैं अपना टाइम पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। 8 बजे होना है और 7:09 हो चुके हैं। ये सारा एम्बियांस है अंदर का इलेक्शन सेल का। अच्छा इसके 2 पोर्शन है, एक बाहर का है और एक अंदर का है। पहले मैं बाहर बैठता था, अब 3-4 दिन से मैं अंदर बैठ रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी जगह मिले हम बैठ जाते हैं। क्यों भाई जान, यहाँ कोई भी फिक्स नहीं है। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा भी बहुत अच्छा रहा वैसे, सीरियसली मज़ा आया कट के। अच्छे कुलीग्स थे, अच्छे सीनियर्स थे, कोऑपरेटिव स्टाफ था। बस अब रह गए 3-4 दिन या हफ्ता रह गया ज़्यादा ज़्यादा हमारे उसमें। नहीं नहीं 20 फरवरी तक है, अभी 2 दिन है। अच्छा 20 फरवरी तक है। काम फ्री करने के बाद हमें और काम मिल गया, इसे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, तो अब हम फ्री हो गया। अब हम खड़े खाने लगे हैं खाना। आर यू फीलिंग हंग्री? ओके स्पीक अहमद, स्पीक अहमद, रोटी खुल गई जी। यार मेरा प्लेटर रेडी हो चुका है। भैया आपका भी प्लेटर रेडी हो गया और हम इंतज़ार कर रहे हैं पानी वगैरह का, तो अब ये खा के इस खाना खा के मैं आ चुका हूँ घर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ घंटी के दिए हुए निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।